हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरके सीजी फिशिंग। आज हम बाइट बनाने वाले हैं रोहा और तलपी के लिए, स्पेशल बाइट। इसका रिजल्ट 100% है और इसके लिए क्या क्या चाहिए आइए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, ये एक अंडा लेना है आपको और ये फ्रूट कलर है, ये देखिए फ्रूट कलर, आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये जो पाउडर है, ये सोयाबीन का जो बड़ी आता है उसको पाउडर बनाया हूँ। और गेहूं आटा का ज़रूरत है आपको, जो ये गेहूं आटा, इसका ज़रूरत है, और चावल आटा। और इस सबको कितना कितना मिक्सिंग करना है या मिक्स करना है आपको, इसके बारे में आज पूरा डिटेल देता हूँ। तो इसको रखते हैं साइड पे। ये सोयाबीन का जो पिसा हुआ पाउडर है दोस्तों, ये कम से कम आपको 100 ग्राम लेना है। और 100 ग्राम में कितना आटा मिलाना है, आधा आधा केजी आटा मिलाना है। तो सबसे पहले हो गया अपना सोयाबीन का आटा, और दूसरा नंबर है ये गेहूं आटा, ये आधा किलो लेना है। ये देखिए आधा केजी हो गया। और उसके बाद ये चावल का आटा है, उसको भी आप आधा केजी ले सकते हैं। ये देखिए आधा केजी हो गया। अब दोस्तों इसमें ये हर चीज़ है, पार्ले जी, इसको मिक्स करना है। चाहे तो आप इसको पाउडर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आगे ना तो ये दोस्तों, इसको आप भिगा के भी डाल सकते हैं या सूखा में पाउडर करके डाल सकते हैं। ये देखिए मैं पानी में डुबा के डाल रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह से आप डाल सकते हैं। और इसके बारे में दोस्तों आपको शिकार करके भी दिखाऊंगा इस वाइट में। इस तरह से दोस्तों मिक्स कर ले। और ये अंडा आप तोड़ के डाल सकते हैं इसे। ये देखिए दोस्तों, ये मिक्स कर रहा हूँ। और ये फ्रूट कलर है दोस्तों, इसको अपने इतना लेना है दोस्तों, केवल कलर के लिए आपको इतना लेना है। ये देखिए दोस्तों, इतना कलर मिलाना है आपको, ज़्यादा भी नहीं मिलाना है ना कम भी नहीं मिलाना है। ये देखिए इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लो। घर जा कर ये देखिए दोस्तों, ये पूरा ऐसे मिक्स कर लेना है बढ़िया। और इसके बाद पानी डालना है, देखिए कैसे कलर आ रहा है, फ्रूट कलर का देखिए। अब इसको अच्छी तरह से गूंदना दोस्तों। इस चारा में एक और ट्रिक है कि आप सोयाबीन का जो बड़ी है उसको हल्के आंच में भूनना है कढ़ाई में, बगैर तेल डाले, वही उसका मेन ट्रिक है और इसका बढ़िया रिजल्ट है। रोहू मछली के लिए सबसे बेस्ट, और तलपी भी लगता है। आप मेरा वीडियो, पिछला वीडियो देखना, उसमें मैं इसी चारे से शिकार किया हूँ। तो इस तरह से आपको गूंधना है, इसको टाइट गूंधना है दोस्तों, ताकि जल्दी पानी में घुले नहीं। ये देख सकते हैं दोस्तों, येलो येलो कलर हो गया। और आपको इसको इस तरह से लगाना है दोस्तों, गुच्छा गल में बिल्कुल इस तरह से लगाना है। और इस चारे में आपको
थोड़ा से गेहूँ आटा ज़्यादा मिक्स करना है ताकि पानी में घुले ना। और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरा चैनल पे बने रहे, और फिर मिलेंगे इस पार्ट पे। तो चलिए।